बनाने वाली हो? खजूर? मैदा लिया है मैंने, सूजी लिया है, अराबा भी बोलते हैं इसको, और चीनी भी लिया है। और इसमें क्या क्या पड़ता है वो दिखा रही हूँ मैं। थोड़ा सा मैंने खोबरा लिया है, खोबरा, इलायची, बादाम, किशमिश और थोड़े से काजू, सबको मिक्स करके डालेंगे इसमें। चीनी मैंने लिया इतना, आप अपने जितना मीठा खाते हैं उतना डालिएगा। इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। मिक्स करने के बाद इसमें घी डालेंगे। घी के जगह पर आप तेल भी डाल सकते हैं। इतना सा मैंने घी लिया है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया मैदा सूजी को। ये देखिए मुड्डी बना रहे मेरा, ऐसा होना चाहिए बनाने के लिए। फिर इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, ज़्यादा इसमें पानी नहीं लगता है, थोड़ा सा पानी लगता है। ऐसे करके ऐसे डालेंगे, ऐसा मिक्स करेंगे। पानी कम ही डाले, थोड़े थोड़े करके डालें। दो तीन मिनट के लिए ऐसे मिक्स करते रहने, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के। और ये जल्दी जल्दी बन के तैयार भी हो जाते हैं। इसको मिक्स करने के बाद छोड़ने का नहीं रहता है, इसको फटाफट फटाफट बनाना पड़ता है इसको, नहीं तो इसमें चीनी पिघल जाते हैं। पिघलने के बाद दो आटा के जैसा हो जाता है गोला, बनाना सकता। थोड़ा सॉल्ट पानी लगेगा। देखिए मैंने मिक्स कर लिया आटा को अच्छे से, ये बनने के लिए रेडी है अभी। अभी इसको बना के दिखाते कैसे बनाना है। ऐसे होने चाहिए मेरा आटा, जैसे लड्डू बनता है वैसे ही सेम करना है इसको। ऐसा छोटे छोटे बॉल में बनाना है, बड़ा या छोटा बना सकते हैं आप। ये देखिए ऐसा बॉल तैयार करेंगे फटाफट से, तो चीनी पिघलने लगेगा इसमें। सारे बॉल को तैयार कर लेती हूँ मैं ऐसे बना के। ये देखिए मैंने सारे बॉल बना के तैयार कर लिए है, और इसको बना के दिखाती हूँ फिर से।
पास सांस नहीं है, गांव में मिलते हैं सब, आसानी से मिल जाता है, उस पर ये बनता है डिजाइन के लिए। मेरे पास वो नहीं है तो मैं ये यूज कर रही हूँ। ये देखिए डिजाइन के लिए हाथ से भी बना सकते हैं, ऐसे हाथ के नीचे, हाथ के नीचे भी बनते हैं, बिस्किट के जैसा होते ऐसा भी बना सकते। अभी मेरे पास सांच नहीं है तो मैं इस पर डाल के बनाऊंगी। ऐसे सारे बना के मैं तैयार करती हूँ, आप ऐसे भी बना सकते हैं। ये देखिए एक फट गए, इसका डिजाइन ही ऐसा होता है, इससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ऐसा ही बनता है। देखिए मैंने सारे बना के रख लिया है, ये तैयार हो गया बनके। अभी इसको तलेंगे तेल में, फ्राई करेंगे। तो चलिए देखिए मैंने पहले से तेल रखा था गर्म होने के लिए, कैच करके इसमें डालेंगे आराम आराम से। तेल ज़्यादा गर्म नहीं करेगा, नहीं तो जल जाएगा, अंदर से कच्चे रहेगा। नॉर्मल तेल में डालना, जितना इसमें बैठेगा उतना डालेंगे। मैंने डाल दिया है, थोड़ा इसको पकने देंगे, फिर इसको पलटी करेंगे। ये देखिए मेरा थोड़ा सा पक गया है, इसको अभी पलटी करेंगे। आराम आराम से पलटी करना रहता है इसको, नहीं तो ये टूट नहीं सकते हैं। एक एक करके पलटी डालें। सारे पंटिंग हो गए, थोड़ी देर में फिर से पंटिंग करेंगे इसको, एक बार और पंटिंग करेंगे इसको। देखिए पक के रेडी हो गए, अभी निकालेंगे। गोल्डन कलर का हो गया, एक दो टूट भी गए, आराम आराम से इसको ना रखेंगे। दूसरा भी उसमें डालेंगे, उसका भी फ्राई करेंगे उसी तरह। तल के निकल लिए हैं, अच्छे से निकल गया है, आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए अंदर से कितना अच्छा पक गया है। आप इसको 15 से 20 दिन, एक महीना ख़राब नहीं होता है, रख सकते डब्बा में पैक करके।